नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। ध्यान रखेंगे, जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 तक जितने आपके करंट के रिलेटेड आपके बुक्स हैं, उन सारे बुक्स को हम यहां पर देखेंगे। नवीनतम बुक्स, अभी आपके दो शिफ्ट के पेपर खत्म हुए हैं, उन दो शिफ्ट के पेपर में इस तरीके के नवीनतम बुक्स को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि किस लेखक ने सोर्स कोड माई बिगनिंग की जो बात की है वो लिखा है, तो इसको लिखा है आपके बिल गेट्स ने। आगे की बात करूंगा, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, इसे लिखा है आपके अल्पना किलावाला ने। ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ मोंगा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कौन सा आपका, जिसका नाम है आपका आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आंसर आपका सी हो जाएगा यहां पर। विश्वास पूर्वम जो एक लिखा है, ये लिखा है आपके एपी अबू बकर मुसलियार ने। ध्यान रखिएगा, ये आपका ए हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगर 5 के बारे में मैं बात करूं तो एड फाइंड्स अ होम, एड ना उसको फाइनली घर मिल गया, इसको लिखा है किसने, तो इसको लिखा है तानवी भट्ट ने। ध्यान रखिएगा, गेटवे टू द सी, अगर मैं गेटवे टू द सी के बारे में बात करूं तो इसे आपका ध्यान रखेंगे हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स के बारे में, तो इसे मैरिटाइम मुंबई का जो म्यूजियम सोसाइटी है ना उसके द्वारा पब्लिश किया गया है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट बुक है, सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ध्यान रखिएगा ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विजया देवी राणे, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 में तो इसे लिखा है आपके किसने, मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा, तो ये लिखा है आपके किसने, विजया देवी राणे ने। ध्यान रखेंगे, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो इसे लिखा है आपके किसने, तो इसे लिखा है प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने। ध्यान रखिएगा, ए आंसर हो जाएगा। जस्ट अ मर्सनरी की अगर मैं बात करूं तो 11 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है इसे दुर्वरी सुब्बाराव ने, डी सुब्बाराव। ध्यान रखिएगा, भीमेश्वर चल्ला के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब है, 12 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो जो आपका इंडिया द रोड्स एंड रेनेसेंस, आपका विजन एंड एजेंडा, आपका ये बुक लिखा है किसने, भीमेश्वर चल्ला ने। सबके राम की अगर मैं बात करूं तो इसे लिखा है प्रवेश कुमार ने और श्री राजीव गुप्ता ने। आंसर आपका 13 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 14 नंबर के क्वेश्चन में हिवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा, अगर हिवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा के बारे में बात करूं मैं तो इस 14 नंबर के क्वेश्चन में इसे लिखा है किसने, तो इसे लिखा है आपके गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। ध्यान रखिएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स के बारे में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 में, तो इसे लिखा है सौम्या अवस्थी और श्रवणा आपके बरुआ ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेन वॉटसन के द्वारा कौन सी, तो द विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है स्वेलिंग द सन। स्वेलिंग जो निगलना, सूरज को निगलने की बात कौन करता है। 17 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी आपके, इन्होंने लिखा है कौन सा, स्वेलिंग द सन। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, इसे किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में मैं बात करूं तो इसे लिखा है स्पोर्ट्स स्टार ने। चलिए आगे की बात करते हैं, हरीश खल्लर ने एक बुक लिखी है 19 नंबर के क्वेश्चन में, इसे लिखा है आपके कौन से, तो इसे लिखा है आपके, ध्यान रखेंगे इसमें आपका हो जाएगा द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, सी आंसर यहां पे सही हो जाएगा। द कॉन्स्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, इनके बारे में यानी प्रेसिडेंसी से इनको जो निकालने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई, उसे लिखा है गोटबाया राजपक्षे ने, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति। इसराइल वॉर डायरी, अगर इसराइल वॉर डायरी के बारे में मैं बात करूं 21 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसराइल वॉर डायरी को लिखा है विशाल पांडे ने। ध्यान रखिएगा, विशाल पांडे सही जवाब है। अभय के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है 22 नंबर में, तो ध्यान रखेंगे अभय के द्वारा लिखा गया है फूल बहादुर, इंपॉर्टेंट बुक है। कॉम्पेंडियम जो आपका नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिया, अगर इसकी बात करूं मैं तो केवी जयचंद्रन ने, शीला एस जैस्मिन आनंद ने और विनोद हरिदास ने इसे लिखा है, ए आंसर हो जाएगा। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इसको लिखा है आपके 24 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसे लिखा है आपके एस रमन जी ने। ध्यान रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, इस बुक को किसने लिखा है 25 नंबर के अगर क्वेश्चन में मैं बात करूं तो 25 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है आपके, ध्यान रखेंगे रोमेश भट्टाचार्य ने, आंसर आपका ए हो जाएगा।
किस पुस्तक को डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री है, कौन सी पुस्तक का संबंध कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री से है। 26 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपका हरियाणा से आपका जो हरियाणा से जो आपका बदलाव है यानी ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ हरियाणा, ये सही जवाब आपका ए हो जाएगा। कह रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, इसको किसने लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल ही लीजिए क्योंकि मे भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसे लिखा है आपके अमित सिन्हा और विजय खरे ने, ध्यान रखिएगा ए आंसर हो जाएगा। श्री जगन्नाथ, अगर श्री जगन्नाथ के बारे में मैं बात करूं तो श्री रघुवीर आपके जो श्रीनिवासन है उन्होंने लिखा है। संजय जाजू के द्वारा में अगर मैं बात करूं इंडिया ईयर्स बुक 2024, ये जो लिखा है ये लिखा है आपके संजय जाजू ने, ठीक है। महा स्वप्निकुडू ये 30 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, पी विक्रम ने, आपके आंसर आपका ए हो जाएगा। 31 नंबर के क्वेश्चन में डबलिंग इन अ डिप्लोमेसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे लिखा है आपके एसडी मुनि ने, आंसर आपका ए हो जाएगा। बात करेंगे स्कल्पचर स्टोन्स यानी जो आपका मूर्तिकार मूर्ति की जो संरचना स्कल्प्टेड है उसको लिखा किसने है आपके क्वेश्चन नंबर 32 में, तो ध्यान रखेंगे अश्वनी प्रभु इसके रचयिता हैं, ठीक है। बात करेंगे राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, ठीक ना, इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है आपके अगर मैं बात करूं 33 नंबर के क्वेश्चन में, तो 33 नंबर के क्वेश्चन में आपके गीता सिंह और आरिफ खान भारती, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। किसने लिखा है महाकवितई, अगर महाकवितई की बात करूं तो वैरमुथु ने लिखा है, आंसर आपका ए हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, संस्कृति के आयाम अगर मैं बात करूं तो मनोरमा मिश्रा है, ध्यान रखिएगा। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अगर मैं बात करूं आपके 36 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये लिखा है आपके किसने, तो ये लिखा है जनरल मनोज मुकुंद आपके नरवड़े ने, आंसर ए हो जाएगा। चलिए मोदी इनर्जाइजिंग अ ग्रेट फ्यूचर के बारे में बात करूं तो आरके पचनंदा, विवेक देब्रॉय, अरविंद गांगुली और आपके उत्तम कुमार सिन्हा ने लिखा है, ए आंसर सही हो जाएगा। एमजे अकबर और के नटवर सिंह के द्वारा अगर 38 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो इसको लिखा है किसने, तो इसको लिखा है कि गांधी अ लाइफ इन थ्री कॉम्पेंस, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अनकॉमन लव के बारे में अगर मैं बात करूं किसके बारे में, सुधा नारायण मूर्ति के बारे में, तो ये चित्रा बनर्जी ने लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत्स मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशियंसी, तो इसमें अगर 40 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं मैं फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर के बारे में, तो 40 नंबर वाले पुस्तक को लिखा है मनसुख मंडाविया ने, आंसर आपका ए हो जाएगा। 41 नंबर के क्वेश्चन में असम ब्रेव हर्ट्स के बारे में लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने, असम के बहादुर, ठीक है। स्मृति वन किसने लिखा है, 42 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपसे तो इसे लिखा है गुजरात का जो स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, उसने लिखा है स्मृति वन को, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम के पॉलिटिकल हिस्ट्री को लिखा किसने है, 43 के नंबर क्वेश्चन में बात करूं मैं तो इसे लिखा है आपके राजेंद्र सैकिया ने, आंसर ए हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका ध्यान रखिएगा, इसे लिखा है किसने, एक समंदर मेरे अंदर, लिखा है संजीव जोशी ने, आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये कुछ बुक्स एंड इंपॉर्टेंट है जो जनवरी से लेकर के आपके जून 2024 तक के इंपॉर्टेंट बुक हैं। अगर इनमें से क्वेश्चंस बनेगा तो यहीं से बनेगा इंपॉर्टेंट बुक में, सभी लोग इसको एक बार देख के जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से और अनदर वीडियो में, थैंक यू।